बेईमानी नहीं कर रहा मेरे से, ईमानदारी से आना अपने आप। अगर दिल नहीं करता नहीं बोलना, ईमानदारी से आओगे ना बात करोगे मेरे से। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? सुने नहीं, बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? तो आप बताइए आप करोड़पति बनेंगे कैसे? हेल्प मी सर, एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर, आप करोड़पति बनेंगे कैसे? हेल्प करिए मुझे जरा, बताइए ना जरा करोड़पति कैसे बनेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान की नौकरी कितने साल चलती है? 60 साल तक। लेकिन वो नौकरी करता कितने साल है? सुने नहीं दिया, 35 साल। आप 40 मान लो, 40 साल नौकरी करके हर महीना वो कितना बचाए कि करोड़पति बन जाए एक साल में, या 5 साल में, या 40 साल में? 40 साल की नौकरी में वो हर महीना कितना बचाए कि वो 40 साल में करोड़पति बन जाए? पूरी सैलरी सेव कर देगा तब भी 1 करोड़ रुपया नहीं होगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं इसलिए आप जानते हैं, ठीक है। 40 साल नौकरी करके भी हमें 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते पूरी सैलरी सेव करके। तो मैं कहता हूं पूरी सैलरी तो आप सेव करके दिखाई नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। हेलो, सही है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं स्क्रीन पर, लेकिन कुछ भी बताने के पहले मैं आपको थोड़ा स्लाइड पर लेके चलना चाहता हूं। और स्लाइड पर आपको देखना है कि बिजनेस वाली सोच लाइए, आपका व्यापार कहां है पहले ये क्लियर करिए, आपका बिजनेस कहां है पहले ये क्लियर करिए, आपके सपने कहां हैं पहले ये क्लियर करिए, आपका पर्पज कहां है पहले ये क्लियर करिए, आपके साथ काम करने वाले लोग कहां हैं पहले ये क्लियर करिए। जब तक आप ये सब क्लियर नहीं करेंगे आप इस बिजनेस में मालामाल नहीं हो सकते। यस या नो? तो बिजनेस के लिए जो प्रोस्पेक्टिंग करनी है हमको कहां करनी है? व्यापार जब बड़ा होगा, एक बड़ा अंपायर बनेगा। जब विनय मिश्रा शुरू किया था इस बिजनेस को तो कितने लोगों के साथ शुरू किया था भाई? हेल्प मी, ओनली वन सिंगल पर्सन विनय मिश्रा अकेले शुरुआत किया था। माय डियर, बिजनेस देखा, बिजनेस को समझा और ये विश्वास किया कि आई कैन डू इट, इस बिजनेस को मैं बाखूबी कर सकता हूं। और मैंने विश्वास नहीं किया फॉर्म भरते टाइम, अटूट विश्वास किया, विश्वास नहीं किया, क्या किया? अटूट विश्वास किया मैंने। यह विश्वास क्यों आया? क्योंकि इस कंपनी को देखने के बाद मैं कलकत्ता गया, फिर मैं मुंबई गया वाशी, और फिर मैं चेन्नई गया। इस बिजनेस को समझने में 26,000 रुपए खर्च किया मैंने, क्योंकि इस बिजनेस को दिल से करना चाहता था और मेरे अंदर एक डर बैठा था और उस डर को मुझे विश्वास में बदलना था। क्योंकि अगर डर है तो आप जीत नहीं सकते, डर है तो आप जीत नहीं सकते, और अगर आपने विश्वास कर लिया तो डर आपको हरा नहीं सकता। तो विश्वास करना मेरे लिए बहुत जरूरी था इस इंडस्ट्री में, और विश्वास करने के लिए मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोस्पेक्टिंग आप करते हैं बिजनेस के लिए, यह समझना है कि हम किसे तलाश रहे हैं। आप लोग आज मुझे दिल से बताएंगे कि हम लोग किसे तलाश रहे इस बिजनेस में। हेल्प मी, हम किसे तलाश रहे? प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं कि नहीं सुबह और शाम? तो किसे तलाशते हैं हम? किसे अप्रोच करते हैं हम? किसे कॉन्टेक्ट करते हैं? अपने लोग। सुना नहीं दिया, अपने लोग। खुलकर बोलिए। हाँ, हर तरह के लोगों को, सही है। हम लोग किसे करते हैं? हर तरह के लोगों को करते हैं, सही है कि गलत है? सुनाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल सही बात है,
हर तरह के लोगों को हम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, और हम क्या करते हैं फिर प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद एक भीड़ खड़ी करते हैं। भीड़, भीड़ समझते हैं आप, एक पीछे बहुत बड़ी टीम खड़ी होती है जिसको आप टीम कहते हो। भीड़, 100 की भीड़, 200 की भीड़, 500 की भीड़, और वो भीड़ क्या कहती है, हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। भीड़ कहती क्या मालूम है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और एक दिन अपलाइन गाना गाता है कि टूट गया प्यार का सुहाना सपना, वही निकला बेगाना जिसे जाना अपना। उसके सारे अरमान सारे सपने धरे रह जाते, उसका दिल टूट जाता है, और वो गाना जिंदगी भर गाएगा कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। वो कहेगा विनय जी बड़ी शिद्दत से मैंने माय लाइफ किया था, लेकिन सच में कहता हूं इतनी बड़ी टीम बनाई और एक भी टीम पीछे नहीं थी, क्योंकि हमने आज तक ये जाना ही नहीं कि हम किसे तलाश करें, हम किसे तलाश रहे, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, हमारा रोल क्या है और हम रोल क्या कर रहे हैं। हमारा एक ही गोल होता है, एन केन प्रकारे सेलर है। दिल पे हाथ करके बोलिएगा, मोटो क्या होता है, एन केन प्रकारे का मतलब समझ गए, झूठ बोलना हो, फालतू की बातें करनी हो, ये कहना हो बेच के तुम्हारा पैसा भी हम दे देंगे, बस खरीद लो आ जाओ किसी तरह से, उसका फोकस होता है सिर्फ 500 रुपया, उसका फोकस होता है सिर्फ 450 रुपया। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसानदायक हैं, ग्रुप के लिए भी घातक है, और स्वयं के लिए भी घातक हैं, और समाज के लिए भी घातक हैं, क्योंकि ये सेल्फिश होते हैं। इनका जैसे क्लोजिंग आई ये पलट के देखते ही नहीं है कुछ, जिंदा मर गए, उस पर वो एफर्ट नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने आए हो, ये प्रोफेशन किस पे काम करता है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे करके आज मैं करोड़पति बन। पहले दिमाग से आप ये डिलीट करो कि आप नहीं कर सकते, कर दिया सुनाई नहीं दिया, नहीं किया तो मैं तरीका सिखाता हूं। पीछे आपके पास ये एक ब्रेन है, इस पे दो बार बोलो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, मैं कर सकता हूं किधर करना है, एंट्री मारना है इधर, नो उधर नहीं, इधर, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, सुबह भर में 1000 बार बोलो, पानी भरते रहो तो भी, बाथरूम के अंदर जाओ तो भी, नहाते रहो तो भी, खाते रहो तो भी, मैं कर सकता हूं। आपको दिमाग को यह विश्वास दिलाना है आज से कि इस बिजनेस के प्रति जरा सा भी अविश्वास ना आ जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कोई भी कीमत आपको चुकानी पड़े, लेकिन आपको यह दिमाग में लाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। क्योंकि यही लड़का यही इंसान हम और आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, स्टूडेंट बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, सिंगर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, हम किसान बनते हैं, हम हर वो काम करते हैं, कब, जब ये विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं। और आप इस प्रोफेशन में आके बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा रुतबा कमाना चाहते हैं, और आप ही अपने आप को कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो कैसे कर पाओ। कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ भाई, कुछ भी करने के पहले आपको सबसे पहले लाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, और जो करने के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत मैं चुकाने को तैयार। एग्री विद मी, सहमत है आप मेरी बातों से? आपके अंदर जब ये एटीट्यूड आता है, आपका जब ये दृष्टिकोण बनता है, और जब मन में ख्याल आए, मेरे पेरेंट्स मुझसे बोले, मेरे फादर बोले, मेरी मदर बोले, मेरी वाइफ बोले, मेरे बच्चे बोले, मेरा पड़ोसी बोले, मेरा दोस्त बोले, कोई बोले कि तू नहीं कर सकता, उसी वक्त कहना मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, जोश बोलना। लेकिन जब कहता तुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, तो जितना जोश निकला होगा ठंडा हो जाता, और उस समय आप तो ठंडे हो जाते,
और रास्ते में जाते हो पैदल तो लड़खड़ाते हुए जाते हो, क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि ये दोस्त मुझे मना कर देगा, विश्वास ही नहीं था कि रिश्तेदार मुझे मना कर देगा। और तब आपको याद आता है उसकी मुसीबत में आप कितना काम आए थे। और आज ये आदमी आपके कहने से 5,000 का सामान नहीं खरीद सकता। अरे आपको तो विश्वास था ये आपके लिए अपनी जिंदगी दे सकता है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब रियलिटी में आप आते हो और यथार्थ तक पहुंचते हो तो सच्चाई देर हो गई साफ पता लगने में। ये बिजनेस इतनी पावरफुल है माय डियर कि ये बिजनेस दिखाता है अपने और परायों की पहचान करा देता है। मैं तो कहता हूं हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी स्टार्ट करना चाहिए ताकि लोग परख कर सके, क्योंकि एक ऐसी मशीन है अपने और परायों की परख करा देती है। जो गलतफहमी आपकी हो वो गलतफहमी आपको ट्रांसपेरेंसी से दर्शा देती है। तो आपको समझना है कि हम क्या तलाश रहे हैं। और नेगेटिव विचार आए तो आज के बाद एक टेक्निक सीख लेना, उसको बोलना कैंसिल कैंसिल। जैसे मन में ख्याल आया, गलती से आ गया, मैं नहीं कर सकता, तुरंत अरे कैंसिल कैंसिल तुरंत। तो आप ये देखोगे आपके दिमाग से धीरे धीरे नेगेटिव एटीट्यूड जाना शुरू हो जाएगा, नकारात्मक चीजें नहीं देखेंगे। कभी भी कोई भी आदमी आपसे किसी की निंदा कर रहा हो आप एक सेकेंड वहां नहीं देंगे। आपका अपलाइन आपकी डाउनलाइन कुछ भी निगेटिव बोले आपको एक सेकंड अंदर एंट्री नहीं मारना है। आज के बाद अपने विचारों पर सिर्फ पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाना है आपको, निगेटिव दृष्टिकोण से बाहर आना है। ऑलवेज पॉजिटिव, एग्री विथ मी? यस। और मैंने ये किया, मेरा पहला स्टेप था इस बिजनेस